नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भोपाल में कल देर रात जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुआ बड़ा हादसा, हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे शाहबानो मुकदमे में 5 जजों की बैठक करेगी सुनवाई। बबलू, संभाल खुद को। देख लिया इन चोटीधारियों का कारनामा। ये आज से नहीं, ये सदियों से हमारा खून चूसते चले आ रहे हैं। अगर अब भी तुम्हारे खून में इनके लिए गुलामी बची है तो जाओ रगड़ो नाक जाके उनकी चौखटों पर। लेकिन याद रखना, ये आज जो बबलू के कुनबे के साथ हुआ है, कल वो तुम्हारे साथ में होगा और तुम्हारे साथ में भी होगा, और इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। ऐसा कि जिस गोबर को उठाते हो ना तुम लोग, उसी गोबर में तुम्हारे बेटे बेटियों की लाशें मिलेंगी। गांधी जी ने हमें नाम दिया था, पर हम वो इनके लिए हराम का जन है और रहेगा। अरे अम्मी, हम इनका हगा हुआ सदियों से उठाते रहे हैं, जी हुजूर करते रहे, लेकिन क्या सिला दिया इन हराम। इसके बाद भी अगर तुम लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो धिक्कार है तुम्हें खुद को वाल्मीकि कहलाना। ये जी रहोगे। एक बात और, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं तुम लोगों के साथ हूं और हमेशा रहूंगा, भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ये 52 हैं, इनकी खातिरदारी कुछ नवाबी स्टाइल में होनी चाहिए।
क्यों बाबन जादे? रेप करेगा? एक लड़की के साथ रेप करने में कितना मजा आता है हम तुझे दिखाते हैं। भैया मजा माता माता रेप करेगा माता भैया मजा माता भैया मजा माता भैया मजा माता जरा सा दर्द नहीं झेल भाई ये बाबन जादे होश आने पर इसकी दोबारा खातिरदारी करना मत रानू पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो ना क्यों खुश हूँ। वो तो दिख ही रहा है। जल्दी चलो कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा। अच्छा पूछो ना क्यों खुश हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि आज मेरी एक मनोकामना और पूरी हुई। पीपल के लिए सही पर तुम्हारे साथ खेले तो ये चपत तेरे भी पड़ सकता था मगर एक मलेच्छ को छूकर मैं अपने हाथ अशुद्ध नहीं करना चाहता। अगली बार अगर ऐसी हरकत करती दिखी या विनय के आसपास भी दिखाई दी तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू एक मलेच्छ है। समझ आया? मुझे हैवान बनने पर मजबूर मत कर। आया समझ? कौन है तू? याद रहेगा ना? रानू मलेच्छू मैं। रानू मलेच्छू मैं। रानू दूर हट। रानू रानू मलेच्छ। डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। मैं हूं ना, उस सुबह तक की बात है, फिर हम यहां से बहुत दूर होंगे, सिर्फ टुमारो में। दिया तूने जुदा
शादी करोगी मुझसे? पर बाबूजी, वो तो वैसे भी नहीं मानने वाले। मेरा एफकैट का एग्जाम क्लियर हो गया है, बस कुछ ही दिनों की बात है। ट्रेनिंग के बाद पायलट बनते ही तुम्हें अपने साथ रखूंगा। मुझे आसमान की सैर कराओगे? ये जगह सेफ है, यहां से निकलेंगे हम एक घंटे में। मुझे छोड़कर मुझे जाना तो पड़ेगा बेटा, कोई सवारी ले आऊं फिर साथ चलते हैं। देखो अगर सुबह हो गई तो यहां से निकलना बहुत भारी होगा। बस तुम्हें हार नहीं माननी है, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? कहाँ गई थी? कहीं नहीं, कंप्यूटर क्लास लेने गई थी। कंप्यूटर क्लास? कंप्यूटर क्लास करने लंदन गई थी? क्यों मुनीस आराम जाने से? क्यों नाक कटवा रही बेटी हमारी इस समाज के सामने? ऐसा क्या किया है मैंने बाबू? अच्छा किया क्या है तूने, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ तो कोई पाप किया है वो मुझसे शादी करेगा, और शादी करने से पहले मिल ली तो क्या हो गया? बेटी हाथ जोड़ो, हाथ जुड़वा ले, पांव पड़वा ले। अब मैं ये जिल्लत नहीं सह सकता हूँ, चाहे जितना कंप्यूटर पढ़ ले तू, पर ये समाज धर्म और जाति से ही चलती है बेटा। ए, 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 बुढ़ाऊ क्या बोल रहा है? जाति धर्म, जाति धर्म, सीधे सीधे बोलता नहीं बनता। सुन रहे लड़की, आज की बात तू लौंडे से नहीं मिलेगी। तू कौन होता है हमारे घर के मामले में बोलने वाला? बोली मेम साहब, बोली मेम साहब, अंग्रेजी बातें। बड़ा पंडिताइन बनने का शौक है तेरे को है? ये तेरे घर का मामला नहीं है, ये मामला हमारे पूरे समाज का है, और जहां समाज नीचे दिखाया जाएगा वहां कलन पहुंचेगा। तू जैसे ना खूब देखे हैं, बड़ाया समाज का दल्ला। अरे बबलू समझा अपनी बहन को, अगर ये लड़की दोबारा मिली उससे तो बहुत बहुत बुरा होगा। मिलूंगी तुझसे, रुके तो रोक ले। अच्छा क्या बोली, क्या बोली? मिलेगी तू उससे, मिलेगी, मिलेगी तू उससे, मिलेगी। देख रहे हो, देख रहे हो तुम लोग, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ऐसी हरकतें अगर तुम्हारी बेटियां करेंगी तो क्या होगा? तो पालते रहना बिना बाप के पर पोती पोतियों को, उनका क्या है? उनकी तो आदत है सदियों से मांस खा के हड्डी फेंकने की, खून में उबाल नहीं आता। अरे समझाओ इसे, ठिकाने लगा दो इसकी अकल को। इधर आ, इधर आ। मिलेगी उससे? यह हो गई या ठंडी? बड़ी हठी लौंडिया पैदा की है बुढ़ाऊ, तुम्हारी है।
इसे अभी इसी वक्त इस पेड़ से लटका दो, और जब तक ये उससे मिलने से मना नहीं करती कोई नीचे नहीं उतारेगा। ध्यान से सुन बबलू तू भी, और इसकी ना सुनने से पहले किसी ने इसको उतारने की कोशिश की तो उसका और उसके परिवार का हुक्का पानी हमेशा के लिए बंद। उठाओ इसे, अबे उठाओ इसे, बांधो, उठाओ इसे, बांधो बाद में जाके। रानू, 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 क्या हुआ तुम्हें? रानू नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता रानू, रानू, रानू आंखें खोलो रानू, रानू आंखें खोलो रानू, रानू नहीं, रानू, रानू ने ऐसा तो नहीं कहा था। जीवन मरण शाश्वत है महंत, इतिहास खुद को दोहराता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सबको मौका मिलता है हिसाब चुकता करने का, कल तेरी बारी आज मेरी। Thank you.
करना है। तुम मुझे आसमान की सैर कराओगे ना जब तुम पायलट बन जाओगे? Thank you.